आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। और इस साल गर्मी भी बहुत अच्छा पड़ा थे, तो कहाँ होने वाला है तो पता नहीं भाई, गर्मी के मारे। भव्य बनत भाई, मंच अच्छा खासा ऊंचा है, कार की ये स्टेज रेडीमेड पहले के बने रही से। कितनी गेट लग रही है यहाँ पर? गेट यहाँ पे चार दिशाओं में चार गेट, चारों गेट लगेगी। एक गेट तो अपना इस तरफ हो जाएगा, ये वाले एक गेट ये है आपका, हाँ। एक गेट उधर। जय जोहर संगवारी हो, स्वागत है अपन के मोर चैनल संत ध्रुवे ब्लॉग में। और संगवारी हो, एक हमन आहन जयंती स्टेडियम के पास में जो मैदान है, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्र जी के शिव महापुराण कथा होने वाला है। और ये कथा है भिलाई में 25 अप्रैल को होने वाला है। और ये स्टार्टिंग मतलब इकर एक से चार के बीच में टाइमिंग लिखा है प्रदीप मिश्र जी के। और प्रदीप मिश्र जी अभी कब आते हैं एक बारे में अपना अगले वीडियो में बताऊँ कि प्रदीप मिश्र जी कब ही कहाँ रुका थे और का व्यवस्था है और यहाँ पर कितना गेट बना थे, है ना। और अपन की पार्किंग कहाँ कहाँ रही उसके बारे में आप मतलब ये वीडियो में पूरा बताऊँ, तो अपन मेरी वीडियो लग कंटिन्यू देखो बिना स्किप करे, ताकि अपन कुछ जानकारी मिस ना कर सको। कार की ये बहुत बड़े आयोजन है ये शिव महापुराण। और एकर जो पार्किंग स्थल यहाँ से मतलब हमारे जो सिविक सेंटर के जो मैदान है यहाँ पर, जो जयंती स्टेडियम के मैदान है, यहाँ से पार्किंग स्थल की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो वहाँ से आप मतलब गाड़ी रख के यहाँ आए पर भी उपरो व्यवस्था करे गए है, है ना। वहुल मैं वीडियो में बताऊँ आप मन तो मोर वीडियो कंटिन्यू देखो। और जे भाई नवा है मोर वीडियो सब्सक्राइब नहीं करे वो जल्दी से आकर मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दो, जगह से मोर आने वाले वीडियो के अपडेट आप मतलब मिल जाए। आप मन मोर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो चलो संगवारी हो, हमन जो महापुराण के क्या तैयारी होते तेला देखथन और आप मतलब बहुत सारे जो जानकारी देखन, तो चलो। तो संगवारी हो, ये है DPS चौक या आप मनेला राजीव गांधी चौक बोल सकते हो। अगर आप मन रिसाली से आत हो या एडन पद्मनाथपुर से आवत हो, तो आप मन यहाँ से भी ना ये वाले रास्ता, ये जो टेम्पो जाती है, ये वाले रास्ता लेकर भी आप शिव महापुराण कथा सुने पर जा सकते हो। ये रिसाली और पद्मनाथपुर से ही तीकर मन पर ये रास्ता हरे DPS चौक, DPS चौक से एडन आप सीधा जाहू और ये पूरा रोड सर्किट हाउस जहाँ जाते हैं वहाँ से आप जयंती स्टेडियम जा सकते हो। तो चलो वहूँ मैं आप मतलब दिखला दे थोड़ा आगे जाके। ये देखो संगवारी हो, ये हम DPS चौक से अभी निकले हैं, जो राजीव गांधी चौक बोलते हैं रिसाली के, जो पद्मनाथपुर से भी जुड़ते वही रोड से निकले हैं। अब हमन जात हन मिराज टाकिस डाले रोड में, लेकिन ओकर ले पहली ही आप मतलब राइट साइड कर जाना है, जो यहाँ पर सर्किट हाउस है वहाँ से एक रास्ता जाते हैं जो सीधा आप ला जयंती स्टेडियम डाल ले जाई। और वही कर है प्रदीप मिश्रा जी के कथा। ये देखो हम वाला ना यहाँ से मुड़ना है, ये देखो ये है अपना एडान है अपना सर्किट हाउस भिलाई निवास। और ये सीधा रोड, ये देखो ये कर प्ले ग्राउंड है, बढ़िया लड़का मन खेला थे। और जस्ट एक बगल वाले मैदान में हुआ था वो कार्यक्रम है, तो एक दो तीन गेट बनी, कते कते कर काका गेट बनी बहू मैं दिखला दूँ आप मतलब, और कहाँ कहाँ से कते नहा ले आ सकते हो एक बारे में बता दूँ। तो एक रास्ता ये है रे, ये जो रास्ता दिखा ना यहाँ से भी आप जा सकते हो, ये देखो सीधा वहीं जही। और एक रास्ता आगे जो मिराज टाकिस वाले चौक है ना वहाँ से भी मुड़ के जही, तो वहाँ से भी चलता ना मन। संगवारी हो, अभी हम ना जो SBI बैंक वाले लाइन है ना, ये देखो ये डहन आप मतलब कहाँ मिली SBI बैंक, जितना बैंक सेक्टर है ये डहाने, ठीक है। और आप जो सामने रोड है ना, ये रोड से जाके लेफ्ट आई से कटू ना, तो ये सीधा सिविक सेंटर चौक जाते, तो वहाँ से भी आ सकते हो आप मन। और ये देखो एक भी एक गेट बना थे, और अभी तो हमने ये डहन लिया हन, है ना। और ये गेट बना थे और वो कर भी एक गेट है, जो कर पार्किंग वार्किंग कहाँ रही देखे लगी है मतलब,
तो चलो देखते ना हमन, अगर अपन सिविक सेंटर चौक से, अगर अपन पावर हाउस से है या दुर्ग रुक से आवत हो या रायपुर से, तो आप वाला कुछ नहीं, सिविक सेंटर चौक आने लगे। ये देखो दोस्तों, ये है चौक और हमन ये रोड ले जाबो अब अंदर। और यार ये रोड ले ज़्यादा दूर नहीं पड़े, मुश्किल से 1 किलोमीटर हो ही, 1.5 किलोमीटर भी नहीं पड़े। और याद रखो सिविक सेंटर वाले चौक है सेल परिवार चौक। और ये देखो, ये है पूरा सिविक सेंटर के चौपाटी, यहाँ पर पूरा खाना पीना चलते। और यहाँ से भी आप मतलब दो रोड मिल रही जाए भर भी। एक रोड जो ये पहला मुढ़ी ना, ये देखो ये पहला जो टर्न हो ना रोड, ये वाले SBI बैंक डाल जही बैंक वाले सेक्टर से भी जा सकते हो, नहीं तो आप सीधा चलो, आप सीधा जाओ, सीधा जाओ तो लेफ्ट में आप मतलब मिल ही शहीद पार्क। ये देखो ये है शहीद पार्क भिलाई के। और शहीद पार्क से थोड़ा आगे जाओ तो आप मतलब राइट साइड मुड़े के जगह मिल जाएगी, जो सीधा जयंती स्टेडियम डाल जाती, जहाँ पर शिव महापुराण होने वाला है। ये देखो अभी गेट तैयार हुआ था, अभी हो ही नहीं है, होने वाला है। और पूरा काम भका भक चला, धका धक एकदम, कार की 25 अप्रैल से प्रारंभ होना है, उनका टाइमिंग 1 से 4 बजे है। और काम तो अच्छा खासा चला थे, बढ़िया। ये देखो पूरा बना थे एकदम एक नंबर। और थोड़ा देर में चलता ना मन अंदर। और ये है स्टेज, तो संगवारी हो हमन इंटर करथन यहाँ। और आप मन ला एक हमार विख्यात यूट्यूबर से मिलावो हमन, जो हमार फेमस यूट्यूबर है दिलीप भाई मितान। कहाँ भागा था यार दिलीप भाई मितान, और वहाँ कसम यहाँ यूट्यूबरों की कमी नहीं है, यहाँ तो पूरा चना मुर्रा सारे यूट्यूबर आ गए हैं। यहाँ तो मतलब सब जहाँ वो जितना दिखा ना, वो देख सब मोबाइल से लेवा, सब यूट्यूबर 1 2 3 4 5 6 ये 7 यूट्यूबर मन आए भैया यहाँ बनाए भर। हाँ और माहौल जोड़ के 8 गजब। और ये देखो वही मितान भाई भागा थे, भाभी संग आए हैं, जल्दी जल्दी बनावा थे वीडियो। और ये है मंच, एकर मंच बना थे बड़ा ज़बरदस्त, ये देखो। और भव्य बनत भाई मंच, अच्छा खासा ऊंचा है, कार की ये स्टेज रेडीमेड पहले की बनी रही से सीमेंट वाले, ओकर बाद में फ्रेम व्रेम कसा थे, लेकिन तैयार होकर बाद बड़ा गजब लगने वाला है, ज़बरदस्त धांसू, अच्छा खासा लंबा है भाई। और कहा है ना संगवारी हो, ये जो स्टेज के जो लंबाई है ना, नहीं नहीं मैं 150-200 मीटर हो ही है लंबा, भारी लंबा चौड़ा है। और ये तरफ भी स्टेज बना थे, दोनों डहान स्टेज बना थे, वो तरफ भी है, ये तो मेन स्टेज है, आप वाला जो पीछे दिखा थे ना, ये वाले तुम्हार मेन स्टेज रहे। उकर बाद वो डहान भी स्टेज बना थे, उकर डिस्प्ले ना अहम दिख रही है, हमें LED स्क्रीन बनाई जगह जगह, ताकि जो पब्लिक दूरिया बैठी रही थी ना, नहीं देख पाए ना, उकर मन बनना LED स्क्रीन लगे है। और यहाँ बड़ा खान देख पंखा भी लगा थे बढ़िया, गर्मी को देखते हुए, ये देखो इनमें पंखा उंखा सब लगा थे बढ़िया, कार की ये सारा टेम्परेचर भी बहुत हाई है गर्मी के। मेटिंग वेटिंग बिछावा था एकदम पूरा करके, ज़्यादा दिन नहीं है, 3-4 दिन बाद नम आने वाला है। और कहाँ पार्किंग बना थे बहुत, मैं देखता हूँ उधर बता दो आप, मतलब यहाँ पर भी फ्रेम तैयार करत भाई मन। ये देखो एक स्टेज ये बन के भी पता नहीं सर। अच्छा पूरा वहाँ दिया तक घिरा है, वहाँ डान आऊ है, जाबो बाइक में उड़ान देखे बार, कार की ये पूरा मैदान ना कवर करिए मन वहाँ तक। या
आपका नाम? मेरा दुलेश कुमार साहू। दुलेश कुमार साहू जी, तो पूरा यहाँ टेंट वेंट की व्यवस्था आप लोग संभाल रहे हैं? टेंट व्यवस्था जितनी भी यहाँ पूरी हो रही है हमारे अंडर में। तो भैया अभी पार्किंग वार्किंग का क्या है व्यवस्था यहाँ? पार्किंग अभी आप रिसाली तरफ से आ रहे हैं तो रिसाली दशहरा मैदान हो गया आपका, इधर सेक्टर दुर्ग तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 7 ग्राउंड स्कूल ग्राउंड हो गया जी, इधर सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय ग्राउंड हो गया आपका, ये पुलिस पेट्रोल सेक्टर 6 पीछे जी जी, सेक्टर 6 ए मार्केट जी जी, और भी अन्य जगह जो है आसपास जो बड़ी जगह है सेक्टर 10 मार्केट के पास में जो जगह खाली है उस जगह पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और वहाँ से बुजुर्ग व्यक्तियों के बच्चों के लिए भी जो है उनके लिए यहाँ तक आने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ ई रिक्शा, क्योंकि मैं वही सोचा था पार्किंग इतना दूर है, मतलब रिसाली का रावण भाटा मैदान सेक्टर 10 सेक्टर 7 करके, मतलब किसी चीज की तकलीफ किसी को नहीं होगी। पुलिस प्रशासन भी साथ में है, उनकी तरफ से भी नगर प्रशासन भी अपनी तरफ से व्यवस्था लगी है, कमेटी के सारे व्यक्ति सबकी ड्यूटी लग रही है। और गेट वेट की क्या व्यवस्था है, कितनी गेट लग रही है यहाँ पर? गेट यहाँ पे 4 दिशाओं में 4 गेट, चारों गेट लगेगी। एक गेट तो अपना इस तरफ हो जाएगा, ये वाले एक गेट ये है आपका, हाँ। एक गेट उधर आपका पीछे हो जाएगा। अच्छा, पीछे जो स्टेडियम की उस तरफ जाता है, मैदान के चार जो एंट्री है वहाँ चारों गेट ना। ओके ठीक ठीक है भैया, धन्यवाद। और एती भी एक गेट बना थे सामने, ये देखो ए डहन भी एक गेट बना थे, और भाई हम ना पूरा चारों डहन राउंड मार था, ये देखो आप मतलब दिखला था कि कहाँ कैसे हुआ थे। और ये तो हमारे जयंती स्टेडियम है, ये देखो ये वाले जो है ये हमारे जयंती स्टेडियम, और ये देखो ये बना थे पूरा महाशिव पुराण के अद्भुत पंडाल, बड़ा ज़बरदस्त बना था, लेकिन लंबाई भी करीबन 150 मीटर के 100 मीटर 150 मीटर हुई। और ये जो पूरा एरिया ना कचाकच भरे रही, देखना जितना है मैदान दिखत ना, ये पूरा एरिया पैक रही, ये जो पूरा एरिया है ना ये पूरा पैक रही पूरा पब्लिक के मारे। और ये साल गर्मी भी बहुत अच्छा पड़ा थे, तो कहाँ होने वाला है तो पता नहीं भाई गर्मी के मारे। ये देखो ये है सामने वाले एरिया, यहाँ से आप सीधा सीधा स्टेज देख पाऊँ एंटर करूँ थे। और एक तो गेट ना ओडान बनी, और ओडान शायद ना पानी वानी खाए भी एक व्यवस्था रही शायद लगात मोला इसे ओडान जो बना देते पूरा धीरे धीरे। और एक तो गेट एडान ये वाले एक गेट रही ये वाले, ये देखो आप मतलब मैं चारों डहाने दिखला देता हूँ। और ये थे भी ये इसे लगा थे टेंट, या डहान मेन टेंट तो बीच वाले है, इस साइड से भी आओ देखते हैं। और बड़े बड़े LED स्क्रीन लगा रही थी ना, फिकर मन भर हरे भाई मन एकदम फटाफट काम निपटावा थे बढ़िया। देखकर पूरा यहाँ रुके है भाई बहन, और हाँ निपटावा थे जितना ही दिखत ना। ये देखो एक सब कर्मचारी भाई मन रही थे और काम करा थे बढ़िया, वो हो जाए जल्दी ज़्यादा दिन के नो हले।